घूंघट काट रही है, दूर दूर की आदमी नहीं ऐसा ही है। देखो कुछ नहीं है दूर दूर तक सिवाय इन झाड़ियों की। तो बहुत बातन पकड़ा है कुती, बस के कहना इसके तो तारीफ के करा भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं और देखो बकरी भी सैर कर रही है। बकरी तो यहाँ बहुत मोटी मोटी है, जय तनोट कुती माता के आगे बकरी बकरी आंडा है भाई। तेरे जैसे ऊंट भी है यार यहाँ पे तो। मेरी मेरी दोस्त अगी यहाँ पे तो बहुत सारी। सेठ जी आ गए हैं अभी। ऊंट क्या है? ऊंट जी आ गए। ऊंट जी गंदा बच्चा। चलो ये भाई माता रानी के लिए हम छतर ले आए हैं रेड और येलो कलर में। ये वाला बहुत सुंदर सा, हाँ बेस बेस। और ये वाला छतर तो मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया ही था ये वाला। और ये प्रसाद, प्रसाद तो यहीं से मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको रास्ते से लेकर आना पड़ता है। ये बेस भी हमने रास्ते में से ही लिया है, यहाँ नहीं है कुछ, बस प्रसाद वाला थैला ही है सब जो कुछ है। और ये हमारा चांदी वाला जो छतर है वो अभी आगे बात करते हैं अभी आरती में या कैसे या सुबह जैसे भी, क्योंकि हमारा भाई उस पकड़ ले जा, पकड़ ले भाई पकड़ ले। कितनी क्यूट सी है भाई के, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार। चलो न बोलिए अभी भाई मंदिर के अंदर आ लिए हैं। अभी वहां से बाहर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि अंदर ही वही हो जाएगा सब काम। मेरे तो दिया काम बिक गया। देखिए शेम शेम पप्पी शेम। गोरा पानी किचन शायद। अरे सही ना। और चलो आ तो आओगे पानी पी रहे हो? Thank you.
दिन का शाप हो। चलो आपका हो गया ना जो मत्था टेको भाई मंदिर से जैसे दर्शन करके और फिर यहाँ पे सोए वो सब अपने मन्नत की जो चुनरी हैं वो बांधते हैं। घर का है मंदिर में भी ना बकरी ऐसे हाँ कित गई वाह क्या करना अंदर ना देना अंदर नहीं बाहर हाँ हाँ बाहर जय तनूट जय मनसा माता माता रानी के मंदिर में ही घूमती रहती है अंदर भी बाहर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो तो है नीचे लाइट ना जावे मैं कह रहा बहुत गहरा है लाइट ना जावे नीचे थी